हर समय अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खुद की ही पीठ थपथपाने वाले केजरीवाल के अस्पताल क्या वाकई ऐसे हैं जैसा उनकी बातें सुनकर लगता है। अभी हाल ही में कोलकाता के अस्पताल में जो हुआ उसने बेटियों का भरोसा तोड़ दिया है। नारी सुरक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी के शासन में अस्पतालों की जो हालत है वो कितनी भयानक है कि सिहरन पैदा हो जाती है। कोलकाता की घटना से जहां पूरा देश सदमे में है, वहां दिल्ली के अस्पतालों के हाल देखकर लग रहा है कि क्या केजरीवाल जी की मंडली किसी अनहोनी होने का इंतजार कर रही है। देश की राजधानी होने के बावजूद लचर सुरक्षा इंतजामों के चलते पिछले साल ही आपके जीबी पंत अस्पताल में एक 40 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। लेकिन मजाल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नींद टूटी हो और कोलकाता का ताजा उदाहरण होने के बाद आज भी हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में क्या डॉक्टर क्या मरीज कोई भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल में घुसकर मरीज को मारी गोली। पूर्वी दिल्ली स्थित केजरीवाल के तथाकथित वर्ल्ड क्लास जीटीबी अस्पताल में एक मरीज को दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया। गेट पर चेकिंग तक की व्यवस्था नहीं है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अधिकतर अस्पतालों के गेट पर मेटल डिटेक्टर तक मौजूद नहीं है। दिल्ली के ऐसे कई अस्पताल हैं जहां अस्पतालों में एंट्री करते समय कोई जांच नहीं होती। इमरजेंसी जैसे वार्ड के बाहर एक सुरक्षा गार्ड तक मौजूद नहीं है। खुद महिलाओं से बड़े बड़े वादे और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के दावे कर सत्ता पाने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर रत्ती भर भी संजीदा नहीं है। हाल तो ये है कि केजरीवाल जी के खुद के शीश महल में उनकी ही पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है तो अस्पताल सड़क पर क्या क्या हाल होगा। इसलिए दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा अब जनता के ही हाथों में है। इस बार केजरीवाल पर दोबारा भरोसा करके अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ मत होने देना।